नमस्कार दोस्तों, एम डी आजम ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इंटीग्रेशन चैप्टर के एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है इंटीग्रेशन, यहाँ कर रहा है सबका इंटीग्रेशन निकालना, 3x² / x^6 + 1 का इंटीग्रेशन निकालना। तो चलिए निकालते हैं इंटीग्रेशन, 3x² / x^6 + 1 है। सब इंटीग्रेशन आई सपोज कर लेते, इंटीग्रेशन 3x². अब x^6 को x^x³ का होल स्क्वायर लिख दें। आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ा होगा, x^n * m बराबर क्या होता है, x, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है x^n * m। वही तो है, अगर x^3 को तो x^3 का अगर स्क्वायर कर दे तो x^6 ही आ जाएगा + 1। 1 है तो 1 का स्क्वायर भी इसे कर सकते हैं dx। अब यहाँ पे x^3 को पुट करेंगे, पुट x³ = t, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएशन इट विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में x³ का dc क्या आ जाएगा, 3x² dx = dt। अब 3x² dx की जगह पे dt पुट करेंगे तो इंटीग्रेशन i = dt/x³ को क्या पुट किए थे, t² + 1 = 1। अब यहाँ फॉर्मूला बन गया dx/, यहाँ पे क्या रहता था, x² + a², इसको x बोलते हैं, इसको a बोलते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, क्या होता था, dx/, यहाँ dt तो है। अब x² + a² = क्या होता है फॉर्मूला, आपको याद होगा मैंने 6 फॉर्मूला बताया था पिछले वीडियो में, कौन वाला फॉर्मूला है, dx/x² + dx/x² + a² वाला। क्या आता है फॉर्मूला, 1/a tan इनवर्स x/a। तो चलिए यहाँ देखते हैं, 1/a क्या है, ये तो 1 है, 1 tan इनवर्स x/a, x क्या है, xt/a कितना है, 1। जब इंटीग्रेशन होने के बाद कोई कॉन्स्टेंट सी ऐड करते हैं + c, 1/1 लिखने का कोई फ़ायदा ना, tan इनवर्स टी + c। अब टी क्या पुट किए थे यहाँ पे, x², टी के जगह पे x³ पुट करेंगे, tan इनवर्स x³ + c। ये एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन था। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है इंटीग्रेशन 1/√1 + 4x² dx। तो इंटीग्रेशन 1/, इसमें 4x² + 1 ऐसे लिख सकते हैं dx। अब 1/4 को यहाँ से कॉमन निकाल लिए, तो 4x² से 4 कॉमन निकाल लिए, तो क्या बचा, x² + 1/4 dx। 4 रूट में है, रूट का बाहर आएगा तो क्या आएगा, 2 आएगा, 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा 1/2, अंदर में क्या बचा, √x² + 1/4 dx। 1/2 इंटीग्रेशन 1√x² + 1/4 को 1/2 का होल स्क्वायर लिख दे dx। अब यहाँ भी फॉर्मूला बन गया, ये x और ये a। अब क्या होता है, तो फॉर्मूला dx/√x² + a² बराबर क्या होता था, फॉर्मूला dx/x² + a² का फॉर्मूला क्या होता था, log(x) √√x² + a² + c। ये आप देख सकते हैं क्या था, दिए 1/(dx²+a²) रूट में 1/(x²)x² + a² बराबर फॉर्मूला क्या होता था, log(x) √√x² + a² और वही 1/2 मल्टीप्लाई में 1/2 रहने देते हैं इंटीग्रेशन, तो बड़ी ब्रैकेट log(x) कितना है, x + √x² + a² करना है, ए कितना है, 1/4 है, 1/2 है, 1/2 का स्क्वायर करेंगे 1/4 ही आएगा + c। 1/2 है, 1/2 रहने देते हैं, log(mod x) + अब यहाँ पे नहीं कुछ तो 1 है,
वन अपॉन फोर एलसीएम ले लें तो फोर फोर को अंदर मल्टीपल फोर एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस सी, वन अपॉन टू लॉग ऑफ एक्स प्लस, यहाँ भी रूट के अंदर फोर है, रूट से बाहर आएगा तो क्या बचेगा टू बचेगा, फोर एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन टू प्लस सी, बड़े ब्रैकेट देते थे, वन अपॉन टू लॉग ऑफ, अब यहाँ आना है कुछ तो वन है, यहाँ भी एलसीएम दो आ गया, दो से मल्टीप्लाई होगा टू एक्स प्लस रूट अंडर फोर एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस सी, वन अपॉन टू, अब यह फॉर्मूला पढ़ेंगे कि लॉग एम अपॉन एन क्या होता है, लॉग एम अपॉन एन क्या होता है, लॉग ऑफ एन लॉग ऑफ एम माइनस लॉग ऑफ एन होता है, ये लॉग का प्रॉपर्टी है, यहाँ भी लॉग एम अपॉन एन है तो लॉग एम माइनस लॉग एन हो जाएगा, लॉग एम टू एक्स प्लस रूट अंडर फोर एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस लॉग ऑफ एन, एन कितना है टू प्लस सी, वन अपॉन टू, अब क्या करें लॉग टू एक्स प्लस टू एक्स प्लस रूट अंडर फोर एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस लॉग ऑफ वन अपॉन टू को मल्टीप्लाई कर देते हैं, वन अपॉन टू मोड टू प्लस सी, अब यहाँ देख रहे हैं लॉग, यहाँ भी ये कांस्टेंट है, यहाँ पे कांस्टेंट, जब भी इंटीग्रेशन में दो कांस्टेंट आ जाता है तो उसके बदले में कोई न्यू कांस्टेंट ऐड करते हैं, तो वन अपॉन टू लॉग ऑफ टू एक्स प्लस रूट अंडर फोर एक्स स्क्वायर प्लस वन, यहाँ सी सी ऐड किए थे तो सी वन ऐड कर देते हैं प्लस, ये आंसर एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।